गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग, नया दिन नई शुरुआत। एंड मेरे बाल थोड़े थोड़े मुझे दिख रहे हैं खराब होते हुए। एनीवे आज का दिन होने वाला है बहुत ही एक्साइटमेंट और क्या बोलूँ उसको, खाने से भरा, क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है आज। लेकिन फिलहाल अभी मुझे जाना है अपनी कायरोप्रैक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने। मम्मी हाँ है, मम्मी आपको हाई करना है, आप आ सकते हो। मम्मी ने फटाफट से अपने बालों को ऐसे ऐसे सेट किया। हमारी सुंदरी मम्मी, गुड मॉर्निंग। देखो एकदम पकड़ लिया अभी हैंड वॉश करके, पर कोई बात नहीं, आपने बच्चों से क्या, सब बच्चे हैंड वॉश करते हैं, सबकी मम्मी हैंड वॉश करती है, मैंने भी करा बंदा जैप के सब बच्चे करते हैं। नहीं जैप नहीं रही, मैं जैप ही नहीं हूँ। कमेंट से बता देना कैसे, मम्मी भूल गया आज अपना डायलॉग भूल गई। मैं बोलती हूँ बच्चों कैसे हो, कमेंट से बताओ कैसे हो, बोला हेलो बच्चे कैसे हो, बट वो है बोला। एनीवे मम्मी मेरे लिए बना रही ऑरेंज जूस, मैं अपनी कर रही रील एडिट एंड वेट कर रही हूँ भानु का, हु इज टेकिंग शावर। उसकी मॉर्निंग से कॉल शुरू हुई थी तो फटाफट से सुबह से बैठा हुआ था, बट अभी थोड़ा सा टाइम है उसके पास, तो मेरी कायरो की अपॉइंटमेंट और थोड़ी सी इंडियन स्टोर पे जाना है ग्रॉसरी लेने, तो 1 आवर में वो निपटा के आएंगे। फटाफट से आपको साथ लेके चलेंगे, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं बाहर कायरो की अपॉइंटमेंट के लिए, बहुत ही ज्यादा मच नीडेड है क्योंकि काफी कुछ मुझे लग रहा है मेरा टिरिंग टिरिंग हिला पड़ा है अंदर से पेल्विस, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा यार वो एक एक्टिविटीज तो चल ही रही है बहुत सारी, तो मैं ठीक करा के फिर थोड़ा सा ब्रेस्ट पे फोकस करूंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा मैं करूंगी, मैं बोल रही हूँ करूंगी। एनीवे हमारे सर जी भी साथ में है। कौन सर जी, कौन है हमारे साथ? दो सीटें हैं वो बंदा पीछे जो नीली शर्ट। मेरी नीली शर्ट। हेलो करो जी, व्लॉग स्टार्ट कर चुकी है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो? हेलो बच्चों कैसे हो, कमेंट्स में बता दो। मम्मी डायलॉग बोलेगी, उनको बोलिए उन्होंने मेरा चोरी करा है। जो हेलो गाइस व्हाट्स अप, इसे तो एकदम से स्टाइल से कैसे तेरे में कभी-कभी तेरा से निकलता है ना, अंदर से तो कभी ऐसे होता है, चल हट कुछ नॉर्मल नेचुरली तो निकल रहा है, निकल रहा है। इंग्लिश तो चलती कैसे, जब मैं स्लो बोलता हूँ तो थोड़ा हो जाता है ऐसा। सही बात है, ऐसी आवाज के साथ अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में कायरो करवा के, ठीक है? ओके मसाला लेना है एंड अनारदाना भी ले लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है मैं हूं परफेक्ट तो बोला गया। अरे बस यही आई थिंक, और वो ले लेते हैं फ्लावर, ले लेते हैं फ्लावर। कपल ऑफ लाइक 2 घंटे के बाद बहुत सारे काम निपटा लिए हम लोगों ने, लिटरली मॉल में कुछ कुछ चीज़ें खरीदनी थी, बहुत हालत टाइट हो गई, लेकिन हम होने नहीं, क्योंकि घर जाके होने वाली बहुत ही एक्साइटिंग चीज़। आपको याद होगा कि मैं ना, मतलब अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करें तो मुझे ना स्टार्टिंग से 2-3 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट क्रेविंग रही है। एक तो है कढ़ी चावल, जो कि आप, मैंने पता नहीं कितनी बार तो रेसिपी दिखा दी होगी, मम्मी ने भी डाली थी, मम्मी जब आई थी उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनाए थे। एंड और एक है, मैं साउथ इंडियन बहुत खाती हूँ, तो मतलब सांभर हो गया ऐसे कुछ, एंड आई हैव लवली साउथ इंडियन फ्रेंड्स अराउंड मी, तो अभी हम रिसेंटली भी गए थे एंड मैं ऑर्डर भी करती रहती हूँ, सांभर भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाया। एंड तीसरी चीज़ है जो कि है छोले भटूरे, वो भी दिल्ली वाले छोले भटूरे, जो कि एकदम वो डार्क कलर के होते हैं एंड साथ में मस्त अपने भटूरे। तो मैंने और प्रीति ने आई थिंक बनाए थे, मानो कब बनाए थे, क्रिसमस पे बनाए थे हम लोगों ने, हाँ लास्ट टू लास्ट क्रिसमस बनाए थे। बट क्या कहते हैं, यहाँ पर ना वो वाली मिलते नहीं है, एंड ऑनेस्टली यार हम दोनों के लिए इतना खलेरा बजाना इज लाइक कि होता ना जब फैमिली मेम्बर्स होता ही मजा आता। मेरी प्यारी सासू माँ बनाने वाली हैं मेरे लिए और हम सब के लिए छोले भटूरे, उन्होंने मुझे आते ही बोल दिया था कि मैं तेरे को छोले भटूरे बना के खिलाऊंगी। तो आज के दिन में आप देखने वाले वो रेसिपी, दोनों मम्मियाँ वहाँ पे आई थिंक उन्होंने प्रिपरेशन सुबह ही कर दी थी, छोले शायद उबाल लिए, देखते क्या क्या चीज़ें हुई हुई हैं। हम लोग बाकी मार्केट से सामान ले आए हैं, लाइक चना मसाला वगैरह मेरे पास खत्म हो रहा था, अनारदाना वगैरह घर जाते हैं, मस्त रेसिपी दिखाते हैं, मुँह में पानी आ रहा है अभी अभी गाइस, मतलब शाही खानदान के बावर्ची रेडी हैं हमें करने के लिए। हेलो हेलो बच्चों कैसे हो, कमेंट करके बताओ। आज हम दोनों मिलकर छोले भटूरे की रेसिपी बनाएंगे और आप देखना आपको मुँह में इतना पानी आएगा, आप बोलोगे यार वीडियो को पॉज करो, साथ में अभी आप कढ़ाई कुड़ी निकाल लोगे, तो आपको बनाने पड़ेंगे। इट गोज बाय डिफॉल्ट। इंडिया से दो बंदे लेके आए हैं, ताकि लाइक का बटन दबा दो, आप दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, अब तो मम्मी आ गई इंडिया से, खाना आपके लिए। प्रेगनेंसी क्रेविंग
चीज है मेरे को, लेकिन इग्नोर करो आप इस चीज को, हम आपके लिए बनवा रहे हैं इसको। आप लोगों ने बोला तभी छोले भटूरे बन रहे हैं, और ऋषि का मन थोड़ी करता है ऐसे, ऋषि तो खाती नहीं है छोले भटूरे, आप लोगों ने बोला आपके लिए बन रहे हैं, आपके लिए। तो अब शुरू हो रहा है हमारी रेसिपी का सिलसिला, एंड आप क्या आटा गूंध रहे हो मम्मी? मैं आटा गूंथ के लिए पहले मैंने मैदा निकाला इतना ढाई कटोरी के आसपास, हमने 3 चम्मच सूजी पानी में भिगो के रखी हुई थी 10 मिनट के लिए, ये हम इसमें डाल रहे हैं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं आपके भटूरे एकदम गुब्बारे की तरह फूले तो ये सूजी वाला स्टेप भूलना नहीं, अगर आप भूल गए तो फिर आप फिर भूल जाएंगे फिर हमें। और थोड़ा सा नमक भी डाल दे गाइज, थोड़ा सा हमने नमक भी डाल, नमक भी जा चुका है अंदर। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी, उससे क्या होगा ये थोड़े क्रिस्पी से और ब्राउन सी इसमें वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई मम्मी बता दो? नेक्स्ट स्टेप हम डालेंगे बेकिंग पाउडर डाल दिया हमने, या आप इनो भी डाल सकते हो गाइस, कुछ भी ऐसा डाल सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो काफी लोग वैसे ये ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा, तो यीस्ट डाल सकते हो, यीस्ट और शुगर एक्टिवेट होते हैं, यीस्ट को पहले घोल के रखो। बस मम्मी कैमरा आपके ऊपर है, जल्दी बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम इसमें डाल रहे हैं दही, ओके दही डाल के इसको ऐसे ऐसे करेंगे, दही जाएगा, दही में आटा गूंदेंगे विद थोड़ा सा पानी भी, है ना? थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अभी ऑयल भी लेंगे, पहले जरा दही से मिक्स कर लेना। जैसे आप देख सकते हैं इंसान के चेहरे से पसीना टपक चुका है, पसीना इतनी मेहनत करनी है आपको आटा गूंदते वक्त ताकि ग्लूटेन बने और आपके भटूरे ऐसे फूले, पसीना नहीं आ रहा कि आप बस ये देखो कैसे हो गए, हाथ से छूटने लगे मेरे, ये देखो ये हो गया ना ऐसे जैसे बच्चे छूट गए, बच्चे हाथ से छूट गए आपके, ये क्या बोला ऐसे बच्चे छूट गए वैसे आटा छूटना चाहिए आपके हाथ से। तो गाइस हमें हमारे पेरेंट्स का ताने मारेंगे, हमने अपने आप को ताना खुद मार दिया है, क्या आपके बच्चे आपके हाथ से छूट चुके हैं? नहीं हमारे नहीं छूटे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में नमक है। क्या आपके भटूरे में नमक है? चीनी है, है? और क्या क्या आप बताओ क्या क्या डाला आपने? पानी है, ये देखो हम पानी डाल रहे हैं, देख सकते हैं ग्लूटेन बनाया जा रहा है भटूरों में, भटूरों के आटे में, एंड मम्मी के पसीने छूट गए। मम्मी देख लो आप चाहते हो कि भानु आए आपकी मदद करने? नहीं मैं कर लूंगी। भानु इस मसल्स का क्या फायदा, क्या फायदा जिम जाने का तेरे? नहीं मैं कर लूंगी, 2 मिनट करेंगे तेरे पे आज, ये देख लो गाइस ये चेहरा पटका रही है, क्या फायदा कर रहे हो, बीट हो गया तेरी जुबान, चल क्यों नहीं आज, क्या फायदा इस मसल्स का, मसल्स नहीं चलती तो जुबान क्या करेगी। तो अब क्या देखो हम इसमें ये रख दिया ऑयलिंग करके, अभी आटा रेस्ट होएगा इसको, हम 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख रहे हैं इसको, परफेक्ट सिएस्टा। मम्मी 1 से मम्मी 2 पे आ चुके हैं, अब ये वाली मम्मी बताएंगी कि आपने सुबह छोलों के साथ ऐसा ये रंग कैसा ले गया है, खूबसूरत जो रंग है। मैंने इसमें 3 चाय पत्ती के टी बैग डाले और तेज पत्ता दालचीनी और मोटी इलायची को उबालने के लिए रख दिया, बस उसके बाद अब आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली रात के भिगोए छोले से आप नॉर्मल छोले बनाते हो वो थे, एंड ऐसे एक रंग आ गए, अब इसमें टी बैग्स आपने निकाल दिए होंगे, राइट? टी बैग्स निकाल दिए, चलो अब हम शुरू करते हैं छोलों की सब्जी, मतलब अपने भटूरे छोले वाले छोले। मैंने ऑयल डाला, 1 चम्मच जीरा डाल दिया, गाइस जीरा जा चुका है अपना, जीरा अभी चटकेगा यहाँ पे, सारे मसाले इसमें डाल के 1 चम्मच, ये भी नमक डाला आपने, देगी मिर्च डाली है, धनिया पाउडर, अनारदाना पाउडर, गरम मसाला जा चुका है गाइस, एंड चना मसाला जो कि हम मैं और भानु भाग के लेकर आए हैं जाके इंडियन मार्केट से, क्योंकि घर पे नहीं था, ये भी 2 स्पून के आसपास, एंड ये है 2 चम्मच लाल कुटी मिर्च, ये असली स्पाइस ये लेकर आएगी, है ना? लहसुन अदरक मोटा काट के रखा है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चे विद जीरा, ये तड़के की आवाज है कितनी मस्त आवाज आती है, इससे तो भूख ही लग जाती है। हाँ नहीं सही बात, मजा आता है, खुशबू आती है, पेस्ट बना दिया, ये पेस्ट बनाया है मसाले जो मिक्स करे थे उसका पेस्ट बना के लहसुन अदरक और जीरा जो लाल हरी मिर्च डाली थी उसमें मसाला को अच्छी तरह से भूनना है। ओके तो गाइस मसाले जलते नहीं है, हाँ क्योंकि सूखे मसाले फिर वो दैट्स अ नाइस ट्रिक, मस्त एक टेस्ट बन चुका है, एंड सब जा चुका है, अब देख सकते हो भाई शक्ल ऑलरेडी आ चुकी है, बस ऐसा लग रहा है छोलों की कमी है, लेकिन हम और भी बहुत कुछ डालेंगे अभी आपको दिखाएंगे। तो ये मसाले में पानी डालने का था मेरी माँ का हैक, आपकी माँ का हैक क्या है कौन मन कर रहा है कि अपने जो पास वाले ओम जी शिव जी
ये सब है आपके आस पास, तो आप जाके अभी उनसे लोग क्या कर रहे हो, मतलब कैसे वहाँ पे, तो मतलब इतना इजीली एक्सेसिबल है हमारे यहाँ पे, हमने यहीं पे खोल दिया, हम पड़ोसियों यहाँ पे भिजवाएंगे आज, इजीली ऑर्डर आएगा। इसमें टमाटर मिक्स कर, टमाटर भी जा चुके हैं गाइस, इन भानु यहाँ पे साथ में मेरी हेल्प कर रहा है, शॉर्ट क्लिप बना रहे हैं, हर जगह हम ये रेसिपी को वायरल करेंगे, हर जगह आप दोनों का एक खुलने वाला रेस्टोरेंट, डिसाइड कर लो नाम क्या है, मम्मी जी रेस्टोरेंट, ओम जी नहीं हमको लेके, मम्मी जी का नाम, मम्मियों की रसोई, हाँ मम्मियों की रसोई गाइस। थोड़ी सी हल्दी भी गई है, हम आपको सब बताएंगे, एक एक लाइव खबर आपको मिलेगी। ऊपर से हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। ओए होए गाइस, खुशबूएं आ रही है, सॉरी मैं आपको ज्यादा चिढ़ाना नहीं चाहती हूँ, सॉरी बट बहुत ज्यादा खुशबू अच्छी आ रही है, मस्त तड़का देखो आप ये। अब इसमें ये जाएंगे हमारे जो छोले हैं, जो ऑलरेडी इतने सज धज चुके हैं, तो आप खुद सोचो कि अब मजा आने वाला है। तड़का नंबर टू इज गेटिंग रेडी, आप बता दो आप क्या क्या इसमें डालते हो। उसमें अदरक लंबी लंबी काट के और लहसुन और साथ में हरी मिर्च और जीरा पाउडर से गाइस, जो भुना हो जीरा पाउडर उससे ना और ब्लैक रंग आएगा इसमें, जैसे वो चाहिए होता है ना एकदम एंड वाला तड़का। हमने कोई नहीं छोड़ी, हमारे पास यहाँ पे राई की मिर्चे भी हैं, ये जो फ्राई की गई है इसकी रेसिपी चाहिए तो हम आपको बताएं, मुझे बता देना अगर चाहिए, वैसे क्विक बनती है वो, नेक्स्ट उसमें बता देना, ये मैंने पहले बना कर रख दी थी इसमें, लेकिन इसकी रेसिपी के लिए हम आपको बाद में बताएंगे। अब ये ऐसे सज गया हमारा प्रॉपर छोले भटूरे, हमने प्याज भी ट्राई किया डालने के लिए बट हम प्याज खा लेंगे वो, एंड यहाँ पर बाकी तैयारी हो रही है हमारे, मम्मी कच्चे आम का अचार भी डाला हमने, कच्चे आम का डालना है ये देखो। तो गाइस हो चुका है अपना भटूरा, ये सारे भटूरे के पेड़े, हम लोग इतने क्या बोलते हैं उसको, महरूम महफूज नहीं, आप समझ जाओ, वो हो चुके खाते हुए, नशे हो रहे, आप बता देना कमेंट में क्या है, नशे हो रहे हैं, नशे बहुत टेस्टी बने भाई। और हमने ना, हम बाहर बैठे हुए ऐसे, मतलब इस तरफ यहाँ पे गैस की गर्मी भी आ रही है और कूलर हमारा उधर पड़ा है, लेकिन कोई हम में से सब आलसी कोई जाने ना कूलर लेने, ऐसा लग रहा है कि दुकान में खड़े होके नहीं खाते, गर्मी गर्मी वहाँ पे भटूरे तल रहे होते, पसीने आ रहे होते, बहुत स्वाद है भाई, मजा आ गया। भटूरों के बाद अपने बंदे हमारे जो बावर्ची है थक गए चाय पी रहे हैं, चाय पी के थकावट उतार रहे हैं, लस्सी बनवा देते हैं ना भाई, लस्सी का तो बेहोश हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे अच्छे से। लेकिन हमारे पास आए हुए बहुत प्यारे से क्यूट से कपकेक, जो कि हमें मेरी फ्रेंड जी देके गई है ईद के ओकेजन पे, थैंक यू सो मच जी, विद सेवियां, तो हम ये भी लेंगे चाय के साथ, सेवियां भी दे के गई थी और ये भी दे के गई थी, बहुत प्यारे आई थिंक आगे सफा और जैद ने बना। तो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर, छोले भटूरे के बाद जो सुस्ती आती है आप समझ ही सकते हो, बट फिर भी मैनेजेबल था, बिकॉज आई थिंक बाहर के खाने के बाद तो तुम्हें ज़्यादा वो होता है, घर के थोड़े से फिर भी लाइट रहते हैं, सो ऑल ओके। मैं भी आई हूँ थोड़ा सा अपना कॉन्टेंट वगैरह रिकॉर्ड करने, मुझे एक्चुअली एक दो ब्रांड्स की वो मेकअप वाली भी करनी थी, मुझे भी ध्यान में आया कि आई शुड डू प्रेगनेंसी स्किन केयर रील फर्स्ट, क्योंकि मेरे दिन में आई थिंक बहुत सारे DMs जो है इसी से रिलेटेड आते हैं, बिकॉज मैंने खुद नहीं बोला था कि यार मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो पहले मैं वो फिनिश करती हूँ फिर बाद में देखती हूँ टाइम बचा तो करूँगी, तो फिर मैं कल रिकॉर्ड कर लूँगी। तो फिलहाल मैं तैयार तो हो गई हूँ, मेकअप तो मैंने वैसे कर लिया था, बट अभी मैं स्किन केयर की यू नो वॉट इन्ग्रीडियंट्स टू अवॉइड, वॉट इन्ग्रीडियंट्स आर सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस पर एक रील बना लेती हूँ ताकि मैं एक अच्छा Q&A कर पाऊँ एंड थोड़ी सी इंसाइटफुल स्टोरीज दे पाऊँ। आई थिंक काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं या फिर एक इट्स यू नो इट्स अ गुड टू नो स्टफ, लाइक मुझे तो ऐसे बड़ा मज़ा आता है, मैं ऐसे किसी की स्टोरीज ना कुछ देती हूँ, इन्फॉर्मेशन स्टफ़ किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस देती हूँ, प्लस एज यू गाइस नो डॉक्टर
Kiran was there to assist me. I even shared it on my Instagram and YouTube also. तो जो भी थोड़ी बड़ी नॉलेज है वो आई वुड लव टू शेयर. तो पहले वो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है. भानु गया हुआ है जिम, भानु ने मौका देख के मारा चौका. अभी फिलहाल मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना लाइटो और ट्राईपॉड के साथ का सिलसिला शुरू. चल रही है पठान एंड मम्मी ने ना अभी गूगल से पूछा डिम्पल कपाड़िया की एज क्या है. भानु ने भी आगे बताया कि आप ऐसे पूछो, मैं लिख रही थी. तो अब मम्मी ने गूगल से पूछ रही है मेरी एज कितनी है और गूगल बेचारी बता नहीं पा रही. तो मम्मी उसको डांट रही है गूगल को क्या सिखा दिया तूने मम्मी को. अब उसको थोड़ी पता कि मीना सलारिया कौन है. शी इज सेइंग आई लाइक माय और भाई सॉरी इंग्लिश में भाई 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 एक सेकंड हो चुका है. मम्मी पापा सोने जा चुके हैं. हम तीनों शख्स यहाँ बैठे हैं क्योंकि आराम से सोते हैं. वॉक पे चले थोड़ी देर. मैं एक वॉक पे होके आ चुका हूँ, मैं जिम भी होके आ चुका हूँ. वैसे मेरी वॉक भी हो गई थी मॉल में. मेरी वॉक भी बहुत ज्यादा हो चुकी है. खाना डाइजेस्ट चल लेंगे वो 5 मिनट की. 5 मिनट पहले से. तो अब हम आए एक क्विक वॉक पे like post food walk. खाना बचाने वाली व्लॉग. और आते व्लॉग नहीं वॉक. और आते ही हमने ये लाइटों को बिजी कर दिया. बेचारी सो रही थी हमारे को देखते ही बारी बारी से उठ उठ के हेलो हेलो कर रही है. बेसिकली सेंसर वाली लाइट्स हैं रोड पे. तो मम्मी कह रही है बेचारी सो रही थी लाइटें. तीन आत्माएं आई जगाना शुरू हो गई. जाग गई. आप भी जाग जाओ. लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो. और क्या करना है, बस आत्माओं जाग जाओ, लाइक का बटन दबाओ. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. प्लीज़.